तो वही कोटा शहर में भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सर्किट हाउस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस धरने में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, विपिन वसूनिया सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार देश में लगातार महंगाई बढ़ा रही है और इससे आम जन की कमर टूट चुकी है। लंबी लंबी बातें करते थे, महंगाई के खिलाफ जम के सड़कों पे आते थे। उनकी स्मृति ईरानी अगर थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ते थे तो सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन पिछले 8 साल में जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जबकि कच्चे तेल की दरें कम हुई थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, मनमोहन सिंह जी के टाइम में उसे डेढ़ रेट से डबल से ज्यादा रेट थी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जब चुनाव आते हैं, चाहे बंगाल के चुनाव हो, चाहे दूसरे राज्य के चुनाव हो, अभी 5 राज्यों के चुनाव आए तो उस टाइम पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम स्थिर कर दिए, एक पैसा नहीं बढ़ाया। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ दिए,